खट्टी मीठी रसोई आप सबका स्वागत करती है। तो चलिए आज हम अपना ब्रेकफास्ट बनाएंगे, वो भी सैंडविचेस। सबसे पहले ब्रेड, फिर ये दही है जो छना हुआ है, ठीक है, इसका पानी निकाल चुके हैं हम। ये चुकंदर कद्दूकस किया हुआ, और ये कुछ वेजेस हैं जिसमें खीरा, पत्ता गोभी और टमाटर, और ये सैलेड पत्ता है जो मेरे अपने फार्म का है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। सबसे पहले जो हमने जो ये ब्रेड ली हुई थी, अब इस ब्रेड के हम चारों कोने काट देंगे। आप सैंडविच ब्रेड भी ले सकते हैं, मैंने ये नॉर्मल ब्रेड ली है। ये देखिए मैंने ये ब्रेड काट लिया है। अब जो हमने ये दही लिया है छना हुआ, अब इसके हम दो पार्ट करेंगे। आप इसकी जगह मेयोनीज भी ले सकते हैं, मगर मैं इसे दही से बना रही हूँ, ठीक है। ये हमने दही को इसमें डाल दिया, और इसके अंदर हम वेजेस डालेंगे। ये गए पत्ता गोभी, ये खीरा और ये टमाटर। अब इसको हम मिला लेंगे। इस तरीके से आप इसमें मिला लेंगे। बाकी बचे हुए दही में मैं ये कद्दूकस किया हुआ चुकंदर डालूंगी। इसका कलर डालते साथ ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और कितना मस्त कलर आया है, मज़ेदार, बहुत सुंदर लग रहा है। बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, हेल्दी भी और देखने में सुंदर भी। अब मैंने ये तीन स्लाइस लिए हैं, इन तीन स्लाइस के ऊपर मैं ये अपनी ड्रेसिंग करूँगी जो मैंने बनाई हुई है। सबसे पहले इसको लेंगे जिसके अंदर हमने खीरा, टमाटर और पत्ता गोभी, इस तरीके से हम इसको लगा देंगे। ये इस तरीके से चारों तरफ आप अच्छे से इसको लगा लीजिए, और इसके ऊपर थोड़ा सा ये पत्ता लगाएंगे, सैलेड पत्ता। ठीक है, ये इसके ऊपर जाएगा। अब इसके ऊपर जाएगा हमारा ये कद्दूकस किया हुआ चुकंदर की ये लेयर जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से पूरा जाएगा, पूरा कवर करना है आपने इसको। अब फिर इसके ऊपर ये पीस जाएगा, इसके ऊपर फिर एक लेयर जाएगी इस तरीके से। और ये सैलेड पत्ता, और हमने ये इसके ऊपर एक पीस लगा दिया। ये बन गया हमारा पूरा एक सैंडविच, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे। ये इस तरीके से हमारा कुछ सैलेड का बना हुआ सैंडविच तैयार होगा। सैंडविचेस बनके बिल्कुल हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इसकी हम सुंदर सी ड्रेसिंग करेंगे जिससे और भी ये खूबसूरत लग जाएं। अब हम क्या करेंगे, सुंदर सी ड्रेसिंग करेंगे जिससे हमारी वीडियो बहुत सुंदर लगने लग जाएगी। ये रखा हमने एक सैलेड पत्ता, दूसरा इस तरीके से रखेंगे, जैसे मर्जी रखिए, आपकी अपनी पसंद है, ठीक है। और सैंडविचेस भी आप अपने ही तरीके से इसको सजा सकते हैं। देखने में जितनी सुंदर लग रही है रेसिपी, खाने में उतनी ही हेल्दी और स्वादिष्ट है। आप इसे घर पे ज़रूर बनाइए,
और ज़रूर खाइए। तो कैसी लगी ये हमारी बड़ी ही खूबसूरत रेसिपी? आशा करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।